टू ऑल ऑफ यू वेलकम इन द दिल स्टडी सेंटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कई दिनों से तैयारी कर रहे थे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की टाइम जरूर लगाया पर अब आप लोगों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल हो गया है और स्पेशली इसलिए करना पड़ रहा है अभी क्योंकि एन टी पी सी के एग्जाम जो हैं वो अभी आ गई हैं तो उन बच्चों के लिए ये स्टेटिक्स टॉपिक था एक प्रोबेबिलिटी टॉपिक है इनमें बच्चों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो ये दोनों टॉपिक हम आप लोगों को करवा रहे हैं ऑनलाइन इनकी क्लासें आपको अवेलेबल हो जाएंगी स्टेटिक्स जो थी इसको अपन सांख्यिकी बोलते हैं तो सबसे पहले आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उस चीज़ की आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए एक्चुअल में ये है क्या चीज़ तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्टेटिक्स की डेफिनेशन डेफिनेशन में अगर अपन देखना चाहें तो सीधी सी बात ही होती है कि स्टेटिक्स जो होती है मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर अपन डेटा का प्रस्तुतिकरण विश्लेषण और निर्वचन करते हैं अब ये प्रस्तुतिकरण मतलब रिप्रेजेंटेशन विश्लेषण उस डाटा का एनालिसिस करते हैं और निर्वचन मतलब उस डाटा के ऊपर इंटरप्रिटेशन करते हैं कोई चीज़ जानकारी इकट्ठा की हुई है उसके ऊपर आगे प्रोसेस करते हैं तो इसमें एक शब्द आया था डेटा तो अपने पास डाटा क्या होता है ये चीज़ और थोड़ी सी समझनी है ये पाँच तो चार मिनट की थ्योरिटिकल बात है जो कभी एग्जाम में आप लोगों के आएगी भी नहीं लेकिन फिर भी आपको पता होनी जरूरी है बात करते हैं डेटा की तो डेटा है बेसिकली टू टाइप का अगर अपन मोटे रूप से देखते हैं तो डेटा एक तो होता है प्राइमरी डाटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा दोनों का क्या मतलब है वो भी समझ लो प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो कि यूजर खुद इकट्ठा करता है उसके सही होने की उसके गलत होने की पूरी जवाबदारी यूजर के पास होती है यूजर बोले तो ऑब्जर्वर वो खुद पहले प्रैक्टिकल करता है उसके बाद में उन डाटा को इकट्ठा करता है और दूसरे होते हैं सेकेंडरी डाटा ये वो डाटा होते हैं जो कि कोई आदमी खुद है वो प्रैक्टिकल करके नहीं इकट्ठा करता ये कोई दूसरे के इकट्ठे किए हुए डाटा होते हैं और जिनके ऊपर अपने को तो इसे प्रोसेसिंग करनी होती है तो डाटा क्या होता था रॉ मटेरियल जो था वो डाटा कहलाता है अब रॉ मटेरियल में अपने पास है आंकड़े या अंक मैथ्स में जो जो अपन काम में लेते हैं नॉर्मली अंक की बात करते हैं अपन अंक से ही काम में लेते हैं तो रॉ मटेरियल जो था उसको अपन बोलते हैं डाटा अब यहां डाटा की भी बात करें तो डाटा क्या करे? एक चीज और आती है कि डाटा भी अपने पास है दो तरीके से देखते हैं मैथ में अगर आपने पढ़ाओ तो एक तो वेरिएबल और एक होता है कॉन्स्टेंट वेरिएबल अपने पास वो डाटा होता है जो कि चेंज होता है वेरिएबल का मतलब उसका मान बदलता है कई तो मान, मान ऐसे आएंगे जो कि बदलेंगे नहीं तो यहां इसके बाद अब देखते हैं कि एक्चुअल में स्टेटिक्स का पार्ट में जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 2016 तक जो क्वेश्चन आए थे पहले अपन वो देखते हैं टोटल जो अपने पास स्टेटिक्स थी उसको ने तीन पार्ट में बांट है पार्ट फर्स्ट में आपको चार चीजें पढ़नी है पार्ट सेकंड में भी आपके पास चार चीजें होंगी और पार्ट थर्ड में इनमें से पढ़ी हुई तीन चीजें अपने पास रहेंगी लेकिन पार्ट फर्स्ट और सेकंड में सिर्फ वो बातें हैं जो कि अपने 2016 तक आरआरबी एनटीपीसी के अंदर आई हैं। 2016 के बाद का जो एडवांस लेवल है वो अपन पढ़ेंगे पार्ट थर्ड में तो मोस्टली तो अपने यही उम्मीद कर रहे हैं कि भाई अपने पास जो भी क्वेश्चन आएंगे वो पार्ट फर्स्ट और सेकंड से आ जाएंगे लेकिन हो सकता है कि इस बार गैप भी कई साल का हो गया

उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से मीन जो होता है वो एक्स बार से रिप्रेजेंट किया जाएगा इस मीन को अपन एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं ये जब इसको मीन के बारे में पढ़ेंगे तब है एक बार पहले देख लेते हैं वो चार चीजें हैं कौन सी दूसरा आता है मीन के बाद में मीडियन मीडियन मीन्स माध्यिका ये अपने पास है माध्यिका मीन मीडियन तीसरा आता है मोड मोड मीन्स बहुलक तो इनके बारे में एक 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 एक, -एक डिटेल से पढ़ेंगे पर पहले एक बार चारों और चौथा जाता है एक छोटा सा प्रश्न होता है पता होता हो तो ये बहुत ही आसान सी चीज है नहीं पता हो तो इसमें भी अपने पास दिक्कत हो जाती है और रेंज याद करनी रेंज मीन्स परिसर तो देखते हैं अब इन चार में से पहला टॉपिक मीन तो जैसा मैंने आपको बताया आपको मीन माध्य और माध्य को अपन सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं किससे औसत से माध्य कोई नई चीज नहीं है माध्य को अपन औसत से जानते हैं औसत का फॉर्मूला आप लोग जानते हो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या तो इसके सिमिलर अगर देखें तो औसत का वही फॉर्मूला होता है जो माध्य का वही फॉर्मूला होता है जो औसत का होता है और ये अपने पास था इससे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में वो आपको लिख के नहीं देता कई बार वो डायरेक्टली वैल्यू दे देता है एक्स बार एक्स बार का मतलब होता है माध्य और यहां से अपने पास है माध्य इसको एवरेज अभी लिखा था ना एवरेज मीन औसत का ही सेम फॉर्मूला है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या इतना बड़ा नहीं लिख के अपने पास एग्जाम में जब करेंगे तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो योग बटे में एन अब बात आती है एन क्या है तो एन एक्शन में वही है राशियों की संख्या टोटल कितनी राशियां अपने पास है तो मेन का यही एक मेन का पूरा का पूरा है इसी के ऊपर बेस सारे के सारे क्वेश्चन निकलते हैं सिंगल लाइन क्वेश्चन आते हो तो वैसे सारे के सारे हो जाएंगे बाकी के देखते हैं तो वो एडवांस वाले में आएंगे मध्य ज्ञात करने के लिए दो तीन एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे मध्य ज्ञात करना है बिल्कुल आसान काम है हाँ वैल्यू इन पे जरूर डिपेंड करेगी कि आपको जो डाटा दे रखा है वो कितना बड़ा है और आजकल जो एग्जाम में डाटा आता है ना वो कैलकुलेटिव आता है पहले तो डाटा आते थे एग्जाम में बहुत शॉर्ट शॉर्ट आते थे आप बिना कुछ लिखे ही इनकी कैलकुलेशन कर सकते थे और इस तरीके से अगर बड़ा डाटा आते हैं तो फॉर्मुले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा फॉर्मूला बड़े डाटा है तो आपको कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी बस ये कैलकुलेट वैसे ही करना है तो इन डाटा को अपने पास जोड़ते हैं पहले योग और बट्टे में एन यही एक्स बार सम निकालने का अपने पास फॉर्मूला था योग बटे एन राशियों का योग बटे राशियों की संख्या इनको अपन जोड़ते हैं तेरह नौ बाईस दो सौ बीस पच्चीस चार सौ सत्तर सौ सौ सत्तर और पांच सौ सत्तर छह सौ सैंतालीस और पच्चीस छह सौ बहत्तर तो यहां पे पास इनका टोटल आ गया है छ सौ बहत्तर और टोटल नंबर थे अपने पास 6 यहां जब आप इसको डिवाइड करोगे तो वन वन टू 112 है वो इनका माध्य हाँ आ जाएगा ऑप्शन सी है वो आपका राइट आंसर है तो डाटा बड़ा हो गया तो बस कैलकुलेशन बढ़ जाएगी क्वेश्चन अपने पास इसी तरीके से हो जाएंगे देखते हैं क्वेश्चन और ये देखो इसमें इस बार आपको डाटा दे रखा है वो थोड़ा सा छोटा दे रखा है तो छोटा डाटा होगा तो कैलकुलेशन उतनी आसान हो जाएगी इसमें भी अपने पास है आंकड़ों का मध्य ज्ञात करना है मीन फाइंड आउट करना है तो इसमें अपने पास टोटल नंबर डाटा दे रखे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इसका मतलब अपने पास फॉर्मूला तो वही है बीबी सेम -बी एक्स बार बराबर योग बटे में एन और एन की वैल्यू कितनी हो गई है टेन एन की वैल्यू हो गई टेन अब अपने को देखना है इनका टोटल कितना आता है दस पाँच पंद्रह सात बाईस और एक तेईस और तेईस पाँच देखो माइनस की संख्या आएंगी तो ये जब ऐड करोगे तो ये लेस हो जाएंगी ऐसा नहीं है कि जोड़ते समय आप माइनस का ध्यान ही रखो और सबका टोटल कर दो तो पहले एक बार प्लस प्लस जोड़ लो उसके बाद में माइनस जोड़ लेते हैं दस पाँच पंद्रह सात बाईस और एक तेईस चार सत्ताईस और चार इकतीस इकतीस तो है प्लस की वैल्यू और माइनस की है पाँच और दो सात और तीन दस माइनस का तो है दस और प्लस की है वैल्यू इकतीस तो यहां से अपने पास ही आ इकतीस माइनस दस इक्कीस बटे में दस बराबर में तो यहां आपका बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा दो पॉइंट एक इसका आंसर है बस ये है कि दस दे रखा है तो अपने पास है कैलकुलेशन करने में ये आसानी रहती है कि जितना भी आएगा ना एक पॉइंट पहले लगा देंगे दस का भाग देना आसान होता है यही अगर संख्या होती तो थोड़ा सा पॉइंटों में कैलकुलेशन आ जाती है तो तो ये तो था सिंपल वाला माध्य जो कि सिंगल लाइन वैल्यू दिएगा आपको डाटा इस तरीके से अपने को याद करना है अब देखते हैं अपन दूसरी चीज मीडियम मीडियम थी इसको अपन बोलते हैं माध्यिका हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत है और बाकी का मैं इतना इंग्लिश में भी नहीं बोल रहा बस ये इतना इंग्लिश इसलिए बोल रहा हूं ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको भी थोड़ा सा समझ में आ जाए कि क्या क्या नहीं है मीडियम है माध्यिका तो अपने पास है दूसरी जो चीज देखते हैं वो माध्यिका माध्यिका भी एक्चुअल में तरह रही है बस माध्यिका का एक नाम और भी होता है माध्यिका का एक नाम और भी है माध्यक तो कई बार एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन ढंग से पढ़ना कि उसमें लिखा हुआ जाता है निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करें और ध्यान नहीं दोगे तो आपको क्या दिखेगा माध्यक तो आपको ज्ञात करना होता है उसका मीडियन और आप ज्ञात करके आ जाते हो मीन जबकि यहां आपको क्लियरली दिख रहा है माध्यक जो नाम है वो किसका है माध्यिका का और मैथमेटिकल टर्म्स में इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं एम से कैपिटल एम लिखा हुआ मिलेगा स्टेटिक्स पार्ट के अंदर तो उसका मतलब होता है माध्यिका और माध्यिका निकालने का बड़ा आसान सा फॉर्मूला है सिर्फ क्या करना आपको बीच की संख्या पकड़नी है जैसे आपको कैसी ने अपने को आंकड़े दे दिए पांच आठ तीन छ दो ये अपने पास डाटा दे दिए ये डाटा दे दिए पांच आठ तीन छो और दो, और कह रहा है कि इनका मध्य निकालो तो मध्य होता कौन सा है बीच की संख्या लेकिन जब जब भी माध्यिका निकालोगे ना आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी ये नोट करने लायक चीज है आपके पास ये नोट ध्यान रखना क्या कि आंकड़ों को आप एक कर्म में व्यवस्थित कर लेना हाँ ये आपके ऊपर है कि वो क्रम आपके पास आरोही है या अवरोही है आरोही का मतलब इंग्लिश मीडियम असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर घटता हुआ हुआ और ये है बढ़ता हुआ करम। आप चाहे में भी व्यवस्थित कर लो पर जब जब माध्यिका निकालने की बात आएगी इस चीज को आप नोट कर लेना कि माध्यिका का नाम जब भी आएगा एग्जाम में सबसे पहले आपको डाटा को एक उसमें ऑर्डर में अरेंज करना है ये पांच डाटा आपको गिवन है तो इनको जब आप ऑर्डर में अरेंज करोगे तो टू थ्री मैं इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर रहा हूं फाइव सिक्स और एट पांच डाटा थे हाँ जब आप इसको जब अरेंज करो ना तो कंफर्मेशन के लिए आपकी एक दो सेकंड ज्यादा लगेंगी पर एक बार चेक कर लेना कि डाटा तो पूरे हो गए क्या कई बार ऐसा होता है कि यहां पे पांच सात होते हैं और यहां पे आपका एक आधा डाटा मिसिंग हो जाता है अगर एक भी डाटा मिसिंग हो गया तो आगे चाहे आप कैलकुलेशन करो और चाहे मत करो उसका कोई फायदा नहीं है सिर्फ आपका टाइम है वो खराब होगा तो यहां अपने पास सबसे पहले इसको अरेंज कर दिया है और अब अपने को देखना क्या होता है बीच की वैल्यू बीच की वैल्यू मतलब एक इस साइड से अपन ने छोड़ दी एक वैल्यू इस साइड से छोड़ दी एक वैल्यू इस साइड से छोड़ दी एक इस साइड से छोड़ दी एक इस साइड से छोड़ दी बीच में क्या आई वैल्यू पांच तो इस क्वेश्चन की जो माध्यिका हो जाएगी वो क्या हो जाएगी पांच अब यहां प्रश्न ये यह उठता है कि सर ये तो पांच नंबर थे बीच की वैल्यू आ गई अगर इसकी जगह संख्याएं छह होती मान लो इसके आगे ऐसे हो जाता दस अपने पास इसी पर्सन में ये भी तो हो सकता था कि 10 तो इसके आगे अरेंज में अपन ऑर्डर अरेंज करते हैं तो 10 इसके आगे आ जाता अब बोलते कि भाई एक इस साइड से एक इस साइड से छोड़ते जाओ तो अपने पास है जब अपन ऐसा करते तो उस समय होता क्या इस बार अपने पास मिडल में ये दो टर्म आती क्योंकि एक दो छोड़ दिया एक दस छूट गया एक तीन छोड़ दिया एक आठ छूट गया अब मिडल में अपने पास इधर से पांच छोड़े तो इधर से छह भी छूट गया बीच में कोई नहीं रहेगा जबकि बीच की वैल्यू अपने पास आंसर होती है तो इस बार जब अपने पास है वैल्यू बीच की एक नहीं दो आती है तो उस समय अपने पास है माध्यिका निकालने का तरीका क्या रहेगा इन दोनों संख्याओं के बीच की वैल्यू अब दोनों संख्याओं के बीच की वैल्यू मतलब पांच और छह का औसत पांच और छह का माध्य पांच और छ का एवरेज ये अपने को निकालना है तो यहां अपने पास जो मीन आएगा वो आएगा पांच प्लस छह बट्टे में दो बराबर ग्यारह बटे दो बराबर में पांच पॉइंट पांच तो उसके माद्य हो जाएगी ये दोनों केस में तुम्हें बताता हूं एक एक करके देखो देखिए कि माध्यिका जब अपन निकालेंगे तो माध्यिका अपने पास होती है बीच की संख्या अब माध्यिका के अंदर अपने पास कंडीशन आती है कि नंबर ऑफ टर्म्स ये जो सम और विषम ने लिखा है ना यह अपने पास अपन ने जो बाटा है वो बाटा है नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या के हिसाब से इसका यह मतलब कभी भी मत समझना कि उसके अंदर डाटा या विषम होनी चाहिए ना पदों की संख्या जो थी ना नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब पदों की जो संख्या है वो कितनी होनी चाहिए या विषम होनी चाहिए और विषम वाला आसान पड़ता है क्योंकि विषम जब होगा तो बीच में एक ही वैल्यू मिलेगी सम होगा तो बीच में दो वैल्यू मिलेंगी तो अपने पास पास है है नंबर ऑफ टर्म्स उसके अकॉर्डिंग माध्यिका का दो फॉर्मूले अपने जनरेट करेंगे एक तो तब जब संख्या विषम होगी और दूसरा कब जब संख्या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो सम होंगे हाँ तो विषम होंगे उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा या तो आप ये कह सकते हो जो अपन ने ऊपर देखा था ये वाला है बीच की संख्या अगर आपको इसको फॉर्मूले के रूप में देखना है तो बीच की संख्या नहीं बोल के आप इसको फॉर्मूले के रूप में ऐसे लिख सकते हो एन प्लस एक बटे दो पद। एन प्लस एक बटे दो ट्रम या दो पद तो यहां जैसे अभी अपने एग्जांपल लिया था उसी टाइप का एक और एग्जाम्पल आगे के एग्जाम्पल दोनों टाइप के करवा रखे हैं और इसमें क्या आएगा सम जब होगा तो इसमें भी आएगी तो बीच की संख्या ही पर इस बार बीच में संख्या कितनी होंगी टोटल दो और अगर बीच की संख्या दो होंगी तो फिर उन दोनों की बीच की संख्याओं का एवरेज अपना आंसर होगा तो यहां भी बीच की संख्या ही आएगी पर उसके लिए अपने पास है वो बीच की संख्या कौन सी होंगी क्योंकि अब टोटल नंबर ऑफ इवन है जैसे दस टर्म हो गई आठ हो गई सोलह हो गई चालीस हो गई इस टाइप्स की टर्म आएंगी तो एक तो उसमें से अपने पास है एन बटे दो पद प्लस एन बटे दो प्लस वन और बटे में दो क्योंकि इन दोनों का एवरेज अपने को लेना है दिखने में आपको ऐसे बड़ा लग रहा होगा। जब आप ये अगर आपको आसान लग रहा है तो आप दोनों साइड से एक एक, एक एक दो दो, दो, दो सात साथ काटते चलिए और बीच में अगर एक बच जाए तो वही आंसर है अगर बीच में दो बच गई तो उन दोनों का एवरेज निकाल दो वो आंसर है अब देखते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर एक में अपने पास है सम विषम ये वाला लेते हैं देखो आंकड़ों की माध्यिका माध्यिका के लिए मैंने एक नोट लगवाया था वो आप याद रखना उसको मत भूल जाना जब भी माध्यिका निकालो सबसे पहले आंकड़ों को एक ऑर्डर में अरेंज कर लेना चाहे वो ऑर्डर असेंडिंग हो और चाहे डिसेंडिंग हो आरओही या अवरोही वो आपके ऊपर डिपेंड करता है हाँ, नॉर्मली अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा लोग उसको आरोही में अरेंज करते हैं अवरोही में नहीं करते हैं तो इसी तरीके से अपने पास ये गिवन है डाटा ये डाटा दे रखे हैं इन डाटा को अपने को अरेंज करना है कई बार ऐसा होता है एग्जामिनर आपके ऊपर थोड़ी ज्यादा ही कृपा कर देता है तो वो ऑलरेडी अरेंज डाटा दे देता है तो यहां ऐसी उम्मीद भी मत करना कि आपको अरेंज डाटा देगा हाँ वो अलग बात है किस्मत बढ़िया हो तो किसी सेट में मिल भी जाए बाकी अपन ये मान के चले कि नहीं मिलते तो अपने को ये माध्यिका निकालनी है एक तो डाटा अरेंज करना है और दूसरा अपने को यह देखना है कि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है सम है या विषम है उसके अकॉर्डिंग अपने को देखना है पर पहली चीज है डाटा को अरेंज करना है देखो देखिए इसमें टोटल डाटा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन अपने पास टोटल ग्यारह डाटा है इसका मतलब कि ग्यारह है तो बीच में जरूर आपको एक पद मिलेगा तो करते हैं अरेंज इसको सबसे पहले थ्री है वो टू टाइम्स थ्री 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 के बाद में फाइव सेवन एट 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 ये एट थ्री टाइम है उसके बाद में है नाइन इलेवन आपको बताया था कि इनमें कोई डाटा बच गया है या कोई एक्स्ट्रा लिखा गया है। एक बार टोटल की चेकिंग कर लेना अभी आपने ऊपर काउंट किया था टोटल कितने डाटा थे इलेवन अब यहां देख लो एक बार टू टू फोर फोर और थ्री सेवन और फोर इलेवन टोटल अपने पास कितने डाटा है इलेवन डाटा है इसका मतलब क्लियर हो गया है कि डाटा तो अपने पास टोटल वो के वही है जो कि ऊपर वाले थे अब यहां अपने पास है नंबर ऑफ टर्म्स देख रहे थे वो कितनी थी इलेवन तो नंबर ऑफ टर्म्स इलेवन है N का मान है वो आपका इलेवन है और एन का मान इलेवन है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखना चाहो तो अपने पास क्या बनेगा आंसर इलेवन प्लस वन बटे दो बराबर ट्वेल्व बटे दो बराबर छो होती है कि आप छह आंसर लिख देते हो पहली बात तो वो इस ऑप्शन में था नहीं पर कई बार ऐसा मिल जाता है कि छह नहीं है मैंने वहां लिखा था पद जब आंसर आएगा तो वो छठा पद होगा अब आप यहां से चाहे उसको इस साइड से काउंट करो चाहे आप इसको इस साइड से काउंट करो छठा पद है वो एक में मिलेगा आप ऐसे नहीं काउंट करें तो आपको बताया था ये एक वैल्यू इस साइड से काटते चलो चलो इसको इस साइड से ऐसे काटते हैं कटिंग के लिए अपन दूसरा टूल ले लेते हैं ये देखो अब काटते हैं इधर से एक इधर से एक इस बार से दो तो उस साइड से भी दो इधर से एक तो इस साइड से भी एक इधर से एक तो इधर से, से, तो से भी एक अपने आप ही बच गई है बीच की वैल्यू एक तो जो बीच की वैल्यू बची ये ही आपका एम है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन जब जब भी नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास ऑड रहेंगे विषम रहेंगे हमेशा बीच की संख्या आंसर आएगी तो या तो आप फॉर्मुले से निकाल लो इस साइड से गिन लो चाहे इस साइड से गिन लो बीच की टर्म वैसे आ जाएगी नहीं तो डायरेक्टली आप जब एग्जाम में करते हैं ना तो ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा डाटा तो अरेंज करना पड़ेगा और डाटा अरेंज करने के बाद में डायरेक्टली बीच की वैल्यू देख लो साइड से काटते चलो बराबर बराबर में बीच की अपने आप ही बच जाएगी अगर अपन काटते समय मान लो बीच की दो वैल्यू बच गई तो बताया था आपको किस तरीके से करना पड़ेगा दोनों वैल्यू का एवरेज निकाल के आपको आंसर देना है देखते हैं ऐसा एक जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो समूह देखो इस बार टोटल नंबर काउंट करने कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन आ गया ना इस बार टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई टेन हो गई है तो इस बार आपके पास है सेकंड वाला फॉर्मूला कम में आएगा बीच में पद कितने होंगे दो पर कंडीशन वही है जब भी माध्यिका का नाम आए क्वेश्चन में माद्या बोले या इसका नाम दूसरा क्या देगा माद्य माध्यक बोले या माध्यिका बोले जब भी ये नाम आएगा सबसे पहले डाटा को एक सिक्वेंसली समय देखो जीरो ऐसा नहीं है कहीं ऐसा सोच लो जीरो दे रखा है जीरो का क्या महत्व है ये तो छोड़ ही देते हैं अगर जीरो छोड़ोगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म वो एक कम हो जाएंगी इसलिए जीरो काउंट नहीं होगा वो पता है कि जब ऐड करोगे तो जीरो उसमें जुड़ेगा नहीं पर जीरो को छोड़ना नहीं है लिखना पड़ेगा तो यहां देखते हैं सबसे पहले जीरो वन वन टू टाइम्स है उसके बाद में थ्री थ्री टू टाइम्स है फोर 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 थ्री टाइम्स है और उसके बाद में बच गया और एट ठीक है तो टोटल नंबर ऑफ देख लेना एक बार तीन तीन छह दस तो दस ट्रम ऊपर थी दस राम इधर है इसका मतलब कि तो टोटल है अब यहां अपने पास है दस टर्म है तो फॉर्मूले के हिसाब से देखो काटने वाली बात अगर अपन करते हैं तो काटने वाले के हिसाब से देखो देखिए एक एक काटते हैं इस साइड से काट दिया एक इस साइड से काट दिया एक इधर से काट दिए दो इधर से काट दिए दो इधर से काट दिया एक इधर से काट दिया एक अब देखो आपके पास क्लियर दिख रहा है इस बार मिडल में वैल्यू कितनी बची दो अब मिडल में वैल्यू एक ही बचती तब तो डायरेक्टली वही माध्यिका हो जाती पर मिडल में वैल्यू बची हैं अपने पास दो तो अब दो वैल्यू बची हैं तो जो माध्यिका होगी जो अपने पास माध्यक होगा जो मीन होगा वो कौन सा होगा इन दोनों वैल्यू के बीच की वैल्यू या इन दोनों का एवरेज तो यहां से अपने पास आंसर आ जाएगा अब देख लो कौन से ऑप्शन ऑप्शन में है ए ये वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन से ऐसे देख के कभी नहीं निकाल पाओगे इनकी वैल्यू की क्या आएगा क्या नहीं है ये तो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे और तो उसके बाद में देखना है कि कौन से ऑप्शन से मिलने देखो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए देता हूं करने के लिए दे रखा है कि एक कक्षा के नौ विद्यार्थियों की लंबाई जो है सेंटीमीटर में दे रखी है और आपको इनका माध्यम देख। देखो इस बार आ गया है ना नाम जो मैं आपको कह रहा था कि माध्यकानी नहीं देके कई बार वो माध्यक बोल देता है इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको जोड़ने लगते हैं इतनी बड़ी वैल्यू है जोड़ने में तो वैसे भी टाइम लगेगा हो सकता है पेपर कैलकुलेटिव आए तो जोड़ना भी पड़ जाए पर फिलहाल इस चीज का ध्यान रखना हाँ अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा हो तो ये चीज और ध्यान रखना रेलवे भी यही बोलती है एस की तरह की आप अपने पास है जो वैल्यू निकालनी होती है वो इंग्लिश में देख लिया करो थोड़ी बहुत अगर इंग्लिश में पढ़ी हुई होगी तो आपको यहां से पता लग जाएगा कि आपको माध्यिका चाहिए या फिर माध्य चाहिए माध्यक जो है वो मीडियन को को बोलते है, को बोलते हैं हैं माध्यिका और माध्यिका के लिए मैंने आपको एक ही कंडीशन बताई है जब भी कभी माध्यिका पूछे आपके पास सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि डेटा को एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी ऑर्डर में आप अरेंज करो इसको उस ऑर्डर में अरेंज कर लो तो देखते हैं इसको सबसे पहले तो उस ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा इनमें जो लिस्ट वैल्यू है सबसे छोटी वैल्यू है 144, 144, फोर के बाद में है 45, 145 के बाद में 147, फोर्टी सेवन वन फोर्टी एट वन फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन फिफ्टी वन फिफ्टी फिफ्टी के बाद में फू फिफ्टी फाइव वन फिफ्टी टू वन फिफ्टी फाइव वन सिक्स टोटल वैल्यू चेक कर लेना अगर कंफ्यूजन हो तो तीन तीन छो तीन तीन छो हो गई कंप्लीट इसमें करना कुछ नहीं था अपने को तो टोटल नंबर देखने थे कितने हैं तो नंबर गिने ना अभी कितने आए थे टोटल नंबर एन बराबर नो है तो फॉर्मूले से करो तो एन प्लस एक बटे दो व पद इसका मतलब से अपने पास माध्यिका आएगी वो आएगी नो प्लस एक बटे दो बराबर दस बटे दो बराबर पाँच नहीं, पाँच पद। अब आप कर सकते हो पांचवा पद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ये अपने पास 149 फोर्टी नाइन इसका आंसर अगर आप काटने वाले मेथड से जा रहे हो तो अपने ये देख सकते हैं काटने वाले मेथड से एक ये सॉरी ये लास्ट दो इस साइड से काट दिए दो इस साइड से काट दिए एक और इस साइड से एक और इस साइड से ये साइड से यही इस बीच में एक ही वैल्यू बची है अपने पास और मिडल वैल्यू जो होती है बीच की वैल्यू होती है वही होती है अपने पास मीडियन होती है माध्यिका तो यहां से डायरेक्ट भी आप कैलकुलेट कर सकते हो आंसर कितना आएगा वन फोर्टी नाइन अब देखते हैं तीसरी वैल्यू मोड इंग्लिश में मोड हिंदी में अपन इसको बोलेंगे बहुलक ये शायद लिखना भूल गए यहां पे बहुलक मोड का जो नाम था हिंदी में अपन बोलते हैं बहुलक और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इसका वो होता है बहुलक का जेड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में बहुलक को बहुल से रिप्रेजेंट करते हैं तो जैड जो होता है उसी को बोलते हैं बहुलक या मोड अब वो निकालते कैसे हैं तो देखो बहुलक नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है बहु का मतलब बहुत ज्यादा बार लक मतलब आया हुआ हो जिस जो अपने क्वेश्चन के अंदर डाटा बहुत ज्यादा बार आया हो सबसे ज्यादा बार आया हो उसी को बोलते हैं बहुलक इससे आसान तो मुझे लगता ही नहीं कि कोई दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है क्या स्थिति के अंदर सिर्फ आपको डाटा देख के ये देख, चेक करना है कि सबसे ज्यादा बार कौन सा पद है जो पद आपको सबसे ज्यादा बार आया है वही अपने पास इस क्वेश्चन का बहुलक होता है डाटा वही मिलेंगे सिंगल लाइन में अपने पास मिलेंगे पांच दस सात जो भी डाटा मिले उनमें तो आप ये देख लो रिपीटेशन होता है ना बहुलक का मतलब यहाँ पे अपने पास है ज्यादा बार आने का मतलब जिसकी फ्रिक्वेंसी है रिपीट हो रही हो यहां अपन कह सकते हैं रिपीट वो कितनी टाइम अपने पास रिपीट हो रहा है तो जो जितनी बार रिपीट होगा सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हो रहा है वो पद अपने पास रिपीट कितनी बार हो रहा है वो मैटर नहीं करता रिपीट कौन सा पद हो रहा है वो पद अपने पास है वो बहुल क्या लाएगा देखते हैं इसके ऊपर भी एक आधा क्वेश्चन फाइंड आउट द मोड ऑफ दीज नंबर्स आपको कुछ नंबर्स गिवन है और इन नंबर का अपने को मोड फाइंड आउट करना है बहुलक ज्ञात करना है डाटा दे रखा है हाँ एक चीज और है अगर आप चाहो तो इनको सिक्वेंसली अरेंज कर सकते हो बाकी का इसमें ऐसी कोई जरूर नहीं है अगर आपकी आंखें देख के पता लगा सकती हैं कि कौन सा डाटा कितनी बार आ रहा है तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि आंसर क्या आएगा देखते हैं इसमें देखो नंबर है 14। आपको देखने से पता लग रहा है मेरे सबसे 18 और 14 दो यही बार बार दिख रहे हैं तो अपने पास है तो बाकी का डाटा को देखने की बजाय सिर्फ अपन इनको कैलकुलेट कर लेते हैं 18 कितनी बार आ रहा है वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम बस 18 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है थ्री टाइम और एक दूसरा दिख रहा है बार बार अपने को फोर्टीन वन टू थ्री और फोर देखो यहां अपने पास चौदह 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 और चौदह चौदह और एक अठारह था इसके ऊपर और मार्किंग कर देते हैं अठारह पे ले लेते हैं ये वाला कलर तो अठारह एक दो तीन बस चौदह है वो चार बार है और अठारह है वो तीन बार है तो क्लियरली दिख रहा होगा ज्यादा बार कौन सा आ रहा है चौदह चार बार आ रहा है तो ज्यादा बार ये है तो इस यहां इसका बहुलक क्या हो जाएगा बस इतना ही करना होता है तीनों ही चीजें आपने देखी हैं इसमें कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है बस आसानी से आप ये देख सकते हो कि यहां पे मीन मोड और मीडियन नाम जरूर देख लेना कि इसमें पूछा क्या आपसे नेक्स्ट देखते हैं एक और है जिसका डाटा का मोड फाइंड आउट करना है तो वही है मोड फाइंड आउट करना है बहुलक चाहिए कौन सा ज्यादा बार आ रहा है वो देख लो यहां देखने से मेरे को एक तो दिख रहा है अस्सी बार बार और दूसरा सत्तर है तो अपन ये चेक करते हैं कौन सा कितनी बार आया अस्सी पे अपने पास मार्किंग करते हैं एक बार दो बार तीन बार अस्सी आया है वो तीन बार आया है दूसरा अपन देखते हैं सत, ए, सत्तर तो सत्तर आ रहा है एक बार सत्तर आ रहा है दो बार कोई और टर्म्स है है जो आपको दिख रही रही हो दो बार आ ट्रम्बे तो फिर भी देखने की जरूरत तो नहीं है नब्बे है वो देखो यहां एक जगह तो ये रहा नब्बे एक जगह ये रहा पर नब्बे भी टोटल ट्रन लागे दो बार है और सत्तर भी दो बार है पर अस्सी तुम्हें क्लियर दिख रहा होगा गोड़े में जब लिखा हुआ है तीन बार है तो सीधे सा इसका बहुल क्या हो गया ये वाला अस्सी जो जितनी बार आएगा वही बहुल बन जाएगा तो जितनी बार है फ्रीक्वेंसी मान लो इसी में एक हाँ एक केस हो रहता है कि अगर अपने पास बोलो कि सर यहां एक और अपने पास होता 70, उस केस में क्या होता तो बहुलक के लिए यह भी थोड़ा सा आप लोगों के लिए नोट करने लायक बात है सॉरी बहुलक के लिए एक नोट और लगा लेना स्टार मार्क करके कि बहुलक में बहुलक एक से ज्यादा भी हो सकता है कि में बोलती है कि जो जितनी बार आएगा जितनी ज्यादा बार आएगा वो कहलाएगा उस केस में इसका बहुलक अस्सी भी होता और बहुलक सत्तर भी होता या तो ऑप्शन में आपको दोनों मिलते हैं या उनमें से एक मिलता तो आप डायरेक्टली उस पर टिक कर सकते हो पर ऐसे केस में तुम्हें दोनों मिलेंगे या ऐसा भी हो सकता है कई बार जैसे डाटा ऐसे दे दे तीन पांच आठ ग्यारह दो चौदह और नौ ये दे दिया और पूछ ले ये ग्यारह है चार नहीं है। ऐसे दे दे और पूछ ले भाई इनका बहुलक बताओ क्या बता सकते हो इनका बहुलक क्या होगा बहुलक का मतलब जो जितनी बार सबसे ज्यादा बार आएगा अब यहां तो अपने पास है सबसे ज्यादा बार आने का मतलब कि सारे मान ही एक एक बार आ रहे हैं अब देख लो कोई सारे मान रिपीट नहीं हो रहा अब सारे एक एक बार आ रहे हैं तो या तो आप कह सकते हो इसमें तो सारे ही बहुलक हैं या यूं कह सकते हो कोई भी बहुलक नहीं है तो बहुलक के लिए कैसी है नोट में रखना बहुलक जो है एक से ज्यादा या कम हो सकता है हाँ आप लोगों को मुझे नहीं लगता कि ऐसे संकट में कभी डालेगा क्या कि मान एक से ज्यादा या कम आ रहे हो वो नॉर्मली डाटा ऐसा ही देता है जिसमें एक ही वैल्यू मिलती है वो सबसे ज्यादा बार आती हो ऐसा कंफ्यूजन वाला काम आपके नहीं होगा पर बाय दे हो भी जाए तो परेशान नहीं हो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो एक क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए है जिसमें आंकड़े दे रखे हैं देखो इस टाइप से भी आंकड़े मिल सकते हैं अगर आपको नॉलेज होगा इनका कई लोगों को तो इनको यही नहीं पता होगा इनमें छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है और पूछा क्या है, है? बहुलक पूछा है चलो पूछा है तो छोटे बड़े की तो दिक्कत नहीं आएगी पर इसी में अगर मान लो कि आपको माध्यिका पूछ ले तो फिर तो आपको अरेंज करना पड़ता असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में तब समस्या हो जाती या तो इनको पॉइंटों में लिखो तब आपके समझ में और वैसे अगर आप जानते हो तो एक बट्टे दो आधा एक बट्टे चार है वो अपने पास एक चौथाई तीन बट्टे चार है तीन चौथाई तो यहां अरेंज करने की जरूरत नहीं है जब आपको बहुलक पूछता है तब अरेंज बहुलक का मतलब तो आप तो ये देख लो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है और इस डाटा में तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा देखो नीचे नीचे में चेक कर लेना कहीं पे दुए दुए दिख रहे हो एक बट्टे दो एक बट्टे दो एक बट्टे दो तीन बार है एक बट्टे चार ये दो बार ही है बस और तो कोई ऐसा है ही नहीं है तो सीधा सा दिख रहा है इसमें तो बोलो कौन सा हो गया वन बाई टू आप देख के आराम से बता सकते हो ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने लिखे नहीं है लेकिन ये सारे के सारे एन में ही आए हुए क्वेश्चन लिए हैं आप खुद देख सकते हो कि क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है पार्ट फर्स्ट अभी चल रहा है देखो लिखा हुआ है ना ऊपर मेंशन कर रखा है पार्ट फर्स्ट है पार्ट फर्स्ट में मैंने जो चार बातें बताई थी अभी अपने पास से तीसरी बात चल रही है और चौथी बात तो इन तीनों से भी सरल है तो ये तो अभी तक अपने पढ़ा था मीन मोड और मीडियन चौथा आता है रेंज रेंज वैसे तो इंग्लिश का शब्द है हिंदी में अपन इसको बोलेंगे परिसर रेंज को अपन क्या बोलेंगे परिसर क्योंकि हिंदी मीडियम वाले ज्यादातर सिर्फ हिंदी में ही ध्यान देते हैं कि नाम क्या रहेगा क्या नहीं है इंग्लिश में वो नहीं देखते चाहे कुछ भी हो पर इंग्लिश में वो देखते ही नहीं है इंग्लिश में बोलते इसको परिसर और परिसर होता क्या है जैसे डाटा दे दिया दो पाँच एक आठ चार सात ग्यारह तीन और तेरह ये आपको डाटा दे दिया और पूछ ले कि इसी डाटा में देखो टोटल टोटल कितने हो गए एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ एक्चुअली में आपको एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें तो कभी नहीं पूछेगा इतना कैलकुलेटिव तो वो देगा ही नहीं है इनमें से मीन पूछ ले मोड पूछ ले मीडियन पूछ ले

निम्न सीमा में सबसे छोटा मान कौन सा है? छोटा मान अगर आपको दिख रहा हो तो छोटा मान है वो एक तो निम्न सीमा बाद में आएगी और उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटानी है सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या है थर्टीन तो थर्टीन माइनस एक इजिकल टू ट्वेल्व तो आप यहाँ क्लियर कह सकते हो कि जो रेंज होगी वो सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू करना है और आपका आंसर तैयार है कई बार गलती हो जाती है कि इसमें से रेंज का मतलब ये देखते हो कि कहाँ तक है तो आप सिर्फ तेरह लगा देते हो और ऑप्शन में पक्का मिलता है तेरह बारह ग्यारह या नीचे वाली वैल्यू दे देता है ये ऑप्शन देता है अपने पास तो इजिली आप देख के बता सकते हो ये सारी चीजें कि तेरह माइनस एक तेरह है सीमा एक है निमसीमा उस सीमा उसमें से घटाओगे तो रेंज आ गई बारह बस इतना सा ही काम करना होता है रेंज के ऊपर भी एक दो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छा ये यहाँ पे नोट वाला है क्या यहाँ नोट लिखा हुआ है मैं बता देता हूं नोट में आपको कि क्या मिलेगा रेंज के लिए नोट की चीज ये है कि रेंज की वैल्यू आप बता सकते हो क्या रेंज कभी नेगेटिव हो सकती है कि भाई रेंज है वो माइनस की दस माइनस की पांच नहीं हो सकती तो नोट में ये है रेंज की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी और ऋणात्मक नहीं होगी ये नोट है क्यों नहीं होगी वो देखो अगर मान लो कई बार मान माइनस में भी दे दे माइनस एक दो पांच आठ ऐसे आ जाए वापस गया लिखा भी नहीं आप लोगों ने वापिस लिख देता हूं नोट नोट था कि रेंज है रेंज की वैल्यू कभी भी और ऋणात्मक नहीं होगी कारण मैं बताता हूं क्यों नहीं होगी पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो आपको दिख रहा है कि नहीं होगी पर नेगेटिव वैल्यू के लिए देखो माइनस एक दो आठ चार तीन ऐसे आ गया अब आप बोलोगे सर एक और ले लेते हैं माइनस का पांच और कर देते हैं या बोलोगे सर माइनस में मान आ रहे हैं तब तो हो जानी चाहिए देखते कैसे आप बताओ माइनस की वैल्यू बड़ी होती है या प्लस वाली क्लियर सी बात है कि प्लस वाली वैल्यू बड़ी होगी तो सबसे पहले अपने पास जो आएगी फर्स्ट टाइम पे रेंज की जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग प्लस वाली बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या है आठ और आठ में से घटाएंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है माइनस में हिसाब उल्टा होता है ध्यान रखना है तो इसमें से छोटी है माइनस का पांच तो आप यहां डायरेक्ट पांच मत लिख देना आपके पास जो वैल्यू है वो कौन सी है माइनस का पांच

छोटा हो जाएगा तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी फिर माइनस का एक तो अगर सारे माइनस के होते उस कंडीशन में अपने पास ही आता सबसे बड़ी हो जाती फिर माइनस का एक, क्योंकि माइनस में हिसाब उल्टा होता है और सबसे छोटी माइनस का आठ तो माइनस एक माइनस माइनस का आठ और इस केस में भी जब आप पांच निकालते तो माइनस एक प्लस का आठ बराबर हो जाता प्लस का सात तो उस समय ये उसकी रेंज हो जाती एक से माइनस आठ तक की सात तक की रेंज तो रेंज कभी भी नेगेटिव नहीं होती है से data, का तो यहां देखो रेंज है परिसर का मतलब वो रेंज ज्ञात करवा रहे आपसे डाटा दे रखा है क्लियरली दिख रहा है सबसे छोटा डाटा क्या है एक और सबसे बड़ा ट्वेंटी वन तो यहां से अपने पास है आर की वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या जाएगी आर बराबर ट्वेंटी वन माइनस में वन बराबर में ट्वेंटी बस कुछ नहीं करना इतना करते ही एक नंबर तैयार हाँ शुरू में जब नहीं पता था तब बच्चों को दिक्कत आती है जिसमें कभी पढ़ के ही नहीं गया और उसके क्वेश्चन आ गया रेंज क्या होती है अब तो वो ये सोचेगा बैठा बैठा रेंज होती क्या है उसको एक पल के लिए लगेगा ये किस दिया नहीं है ऑप्शन में ये भी देना चाहिए क्योंकि रेंज देखते ही लगता है हाइएस्ट वैल्यू की पूछ रहा हो कहीं तो यहां से अपने पास है उसने ऑप्शन में दिया बीस तो ये सी ऑप्शन है ये इसका आंसर हो जाएगा एक और क्वेश्चन है देखो देखे करके देखते हैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए आंकड़ों का परिसर याद करना है। देखो जीरो दे रखा है इस बार तो जीरो रेक में तो छोटा जीरो और बड़ी वैल्यू देखें तो पंद्रह पंद्रह माइनस जीरो कितनी आई वैल्यू चौदह या पंद्रह पंद्रह में से जब जीरो घटाएंगे तो वैल्यू पंद्रह बचेगी तो इसका आंसर आ जाएगा पंद्रह ये था अपने पास अरेन्ज वाला पार्ट आज के लिए इतना ही था पार्ट फर्स्ट में अब दो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं ये मैं आप लोगों को दे रहा हूं आप लोग इसको आराम से घर पे करना और आंसर चेक करना कि चार ऑप्शन में से आपके कौन से मिलते हैं हाँ, क्वेश्चन जरूर थोड़े से बड़े हैं क्योंकि देखो रिपीट ये है कि जो भी दे रखे हैं उसमें अपने पास चार ही चीजें तो पड़ी है अरेंज तो पड़ी नहीं पड़ी बराबर है इसमें तो आपके पास कुछ करना भी नहीं है सिर्फ आपको वैल्यू देखनी है और उसके हिसाब से आंसर लगाना है और जो क्वेश्चन दो मैंने दिए हैं उसमें क्या है एक क्वेश्चन में तो आपको ये तीनों ही निकालने हैं डाटा दिया है छोटा दिया है आपको इजीली कैलकुलेट हो जाएंगी हाँ मैं थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए आपको इतना कह सकता हूं माध्य कैसे निकालते हो माध्य निकालने का एक ही फॉर्मूला था राशियों का योग बटे राशियों की संख्या क्योंकि माध्य है वो औसत के बराबर होता है और माध्य को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से तो इसके लिए तो सबको जोड़ लेना और टोटल संख्याएं देख लो कितनी है उससे डिवाइड कर दो वो तो आ जाएगा अपना माध्य बहुलक नाम से इसमें इस स्पेसिफाई हो रहा है बहुलक जो जिसके लग सबसे ज्यादा हो मतलब क्वेश्चन में जो चीज सबसे ज्यादा बार आई हो वो उसका बहुलक हो जाएगा और तीसरी आती है माद्यिका मद्य का मतलब था नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड करेगा और का नाम आती है आपके दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए कि मद्यिका के लिए हमेशा क्या जरूरी है ऑर्डर आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में वो कोई से भी ऑर्डर में लिख लो पर ऑर्डर जरूर चाहिएगा माद्या के लिए इसके लिए अपने पास है ऑर्डर पता होना चाहिए इसको ऑर्डर में जचाना ही पड़ेगा बहुलक ज्यादा बार आया हो और मध्य औसत ये इन तीनों चीजों की शोर्टकट है कि आप यही चीजें तो निकालते हैं अपने पास है तो ऐसा बहुत कम मिलेगा पर बड़ा क्वेश्चन बनाना हो तो वो इनको बना सकता है इस तरीके से करके तो ये आप लोग निकाल लेना इनमें से कि कौन सा ऑप्शन है हाँ ये है कई बार ऐसा होता है कि एक चीज निकालते हो तो इन सब ऑप्शन में से वो चीज एक में मिलती है तो बाकी के दो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है जब एक ही मिल रही है ऑप्शन में आपको लग रहा है कि आप सही हो तो आप डायरेक्टली उसी पे टिक लगा लो चाहे इस साइड से चलो चाहे इस साइड से चलो तो इसमें तो आपको तीनों चीज निकालनी है और जो ना नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है इसमें आपको दो ही चीजें निकालनी है माध्यिका और बहुलक तो माध्यिका का दोबारा नाम आ गया है माध्यिका का मतलब एक नाम और भी था माद्य और माध्यिका निकालो तो सबसे पहला काम था इसको ऑर्डर में अरेंज कर लेना और बौलक है सबसे ज्यादा बार देखो कितना कौन सा आ रहा है तो ये सब आए हुए डाटा है ऐसा नहीं है कि इसमें अपने पास बना के दे और बना के दे दे तो भी कौन सा पता चलता है डाटा तो एग्जाम में भी चेंज होंगे बस आपको ध्यान रखने हैं मध्य बहुलक और परिसर ये चार बातें मैंने पार्ट फर्स्ट में समझाई है पार्ट सेकेंड आप नेक्स्ट टाइम पे करेंगे कल कर आपको उसका वीडियो मिलेगा तो पार्ट सेकंड में क्या होगा उसमें अपन पढ़ेंगे मद्य विचलन प्रसरण मानक विचलन और लास्ट है प्रसरण गुणांक तो ये भी चीजें अपने पास एग्जाम में पूछी जाती हैं इनके बाद में उनका तो तो इनमें से, 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 इन से आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा हाँ अगर हो सकता है कि दूसरा अपने पास है, थोड़ा सा लेवल आई कर दे तो अपन थर्ड लेवल भी लेंगे और उस थर्ड लेवल को पढ़ लेना अगर आपको ज्यादा पढ़ना हो तो नहीं तो आपका काम इन दो लेवल से दो पार्ट से चल जाएगा ओके थैंक यू गैस